तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप बिटकॉइन में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिटकॉइन आप लोगों को मालूम होगा कि एक बिटकॉइन का जो कीमत है फ्रेंड्स, अभी पिछले महीने में ही यानी कि नवंबर में फ्रेंड 13 लाख कुछ रुपए था, लेकिन फ्रेंड दिसंबर में ही आज के डेट में 19,50,000 रुपये हो गए सिर्फ एक बिटकॉइन। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि आप कितना जल्दी ये ग्रोथ हो रहा है। और फ्रेंड्स, ये ग्रोथ आज से ही नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत पहले से ही, ये जो आज से 3-4 साल पहले की बात करें तो हमें एक बिटकॉइन का दाम 70,000-80,000 कुछ था और आज के डेट में ये 19 लाख रुपए हुआ है सिर्फ एक बिटकॉइन का। अगर हम उसके अंदर पैसे पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज सोचिए कितने ज़्यादा पैसे हमारे पास हो गए होते। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ शॉर्ट में कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन फ्रेंड्स एक डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी है। जैसे कि हमारे पास इंडियन रुपीज़ होता है, दुबई में दरहम चलता है, रियाल चलता है, अलग जगह है, जैसे जैसे अलग अलग कंट्री के अलग अलग रुपये होते हैं वैसे फ्रेंड्स ये बिटकॉइन है फ्रेंड, जिसे हम छू नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, इसमें किसी भी देश के सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ती भी है और घटती भी है। इसी के बीच में फ्रेंड्स लोग इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। अब बात आती है कि फ्रेंड्स कि क्या ये लीगल है या अनलीगल। तो फ्रेंड्स, पहले जो था RBI ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बैन लगा दिया था हमारे इंडिया में, लेकिन फ्रेंड्स अभी जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे से बैन हटा दिया है। तो आप जो है बिटकॉइन पे अपने पैसे लगा सकते हो। अब बात आती है फ्रेंड्स कि बिटकॉइन को हम कहाँ से बाय करेंगे, मतलब कि बिटकॉइन कैसे हम खरीदेंगे और कैसे उसे बेचेंगे और कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इंडिया में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनकी मदद से आप जो है बिटकॉइन को खरीद सकते हो और बेच सकते हो, जो भी प्रॉफिट होगा वो आप अपने अकाउंट में ले सकते हो। तो कैसे करना है मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो पर पड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सम्राट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कॉइन स्विच एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर रखा है, इंस्टॉल कर लिया टाइम को बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कॉइन स्विच एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको उसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, आपको इसके अंदर OTP डालना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जो है एक्सेस ले लिया OTP का। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है पिन सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर वापस कन्फर्म कर लीजिए। ये कोई भी आप नया पिन अपना यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने मोबाइल नंबर से यहाँ पर जो है ओपन हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्रोफाइल पर क्लिक करना है। आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है KYC नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए यूज़र वेरीफिकेशन पर आप क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए बेसिक वेरीफिकेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है फर्स्ट पे। और यहाँ पर आपका फुल नेम, बर्थ डेट और ईमेल यहाँ पर डाल के वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने सब फिल कर लिया, अभी यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं वेरीफाई पे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आप डाल दीजिए और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो है सक्सेसफुल हो गया, वेरीफिकेशन कंप्लीट। अभी हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जो पहला वेरीफिकेशन था हमारा कम्प्लीट हो गया। अभी देखिए सेकेंड जो हमारा पैन कार्ड वेरीफिकेशन, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें इनेबल कैमरा पर क्लिक कर देंगे, अलाउ कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना जो पैन कार्ड है वहाँ पर लाना है। तो चलिए हम ला देते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। और इसके जो बैक साइड का भी फ़ोटोज़ हमें लेना है फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों साइड का। और सबमिट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से 2 से 5 मिनट लगेगा आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा, तब तक हम ID कार्ड वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी से जो है वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो चलिए हम अपना आधार कार्ड से कराएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं अब इसी तरह से जो एड्रेस होता है बैक साइड का उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो गोला दिया हुआ है यहाँ पर आपको अपना सेल्फी लेना है, तो ठीक है फ्रेंड्स आप सेल्फी ले लीजिए और यहाँ पर कंफर्म माय सेल्फी पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए आप। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं जो हमारा पैन कार्ड था वो वेरीफाई हो चुका है, बस हमारा आइडेंटिफाई बचा, वो भी 2 से 5 मिनट का टाइम ले रहा है, तब तक हम यहाँ पर आते हैं। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी ताकि जब भी आप जो पैसे विड्रॉल करोगे तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चले जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम अपना अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और सेविंग और करेंट है आपका जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपके मेल पर वापस ओटीपी जाएगा, उसे आप यहाँ पर डाल 50 अभी हमारा बैंक अकाउंट भी सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हम देखिए यूज़र वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारी देखिए केवाईसी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जब 100% कंप्लीट हो जाए तो समझ लीजिए कि फ्रेंड्स आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम बैक आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा नाम यहाँ पर आ रहा है, मेरी केवाईसी जो है कंप्लीट हो चुकी है। ये तो अभी हम होम पर क्लिक करते हैं। होम पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है वॉलेट में जो है 0 रुपीज़ 1 भी रुपीज़ नहीं, यहाँ पर बिटकॉइन आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपके पास डिपॉजिट करना पड़े तो यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और नीचे देख सकते हैं कि बिटकॉइन का यहाँ पर देख सकते हैं बिटकॉइन लिखा हुआ है और बाकी सब भी यहाँ पर करेंसीज हैं, लेकिन हम बिटकॉइन के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए डिपॉजिट INR पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप इंडिया रुपीज़ कितने का करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 500 का कर देता हूँ। ठीक है हम यहाँ पर 500 ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। और अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपकी अपने UPI के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और बैंक से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जैसे कि NEFT हुआ, RTGC हुआ, IMPS हुआ, ये सब कर सकते हैं आप। तो चलिए हम आपको यहाँ से UPI के थ्रू करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देखिए गूगल पे, पेटीएम और UPI ID से भी कर सकते हो। तो हम गूगल पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी डिपॉजिट देखिए सक्सेसफुली 500 हो चुकी है। तभी हम यहाँ पर गो बैक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे वॉलेट में 500 रुपये हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और होम पे आते तो देख सकते हैं होम पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 500 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। ठीक है तो अभी हमें क्या करना है, बिटकॉइन को बाय करना है। तो ये देखिए यहाँ पर बिटकॉइन है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन की जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है, देख लीजिए आप किस तरह से है। ठीक है और यहाँ से आप 1 वीक का भी देख सकते हो, 1 वीक में क्या इसकी परफॉर्मेंस है, 1 मंथ में कैसी था, 1 ईयर में कैसा था, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स अभी मान लीजिए हमें बाय करना है बिटकॉइन को, तो यहाँ पर देखिए बाय पे क्लिक करेंगे हम। और कितने का बाय करना चाहते हो, तो मैं 500 का बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू बाय पर हम क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कितने आसानी से अपना जो है बाय कर लिया है। और यहाँ पर ये बता रहे इनवाइट योर फ्रेंड्स, अगर आप किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हो तो उसके भी आपको 50 रुपये मिलते हैं इनवाइट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने अभी देखिए बिटकॉइन को बाय कर लिया है तो यहाँ पर देख सकते हो उसकी वैल्यू है जो हमारा बिटकॉइन, देखिए मैंने यहाँ पर 500 में ख़रीदा था तो 1499.98 का है, तो यहाँ पर मुझे बिटकॉइन इतना मिला है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से जो है आप देख सकते हो। मैंने अभी जो बाय किया शायद उस टाइम पे ये डाउन चल रहा है, यहाँ पर देखिए वन डे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऊपर था पहले, अब यहाँ से थोड़ा नीचे जा रहा है, ये ऊपर नीचे जाते रहता है कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जैसे मैंने 500 इन्वेस्ट किया तो हमारा इतना बचा है। ठीक है, आप इसमें से चेक करते रहो कि आपका कितना बढ़ता है कितना घटता है, ये सब आप कर सकते हो। तो अगर आपको सेल भी करना हो, देखिए यहाँ पर सेल पर आप क्लिक करके सेल भी कर सकते हो। तो जैसे फ्रेंड्स अभी आपने देख रहे थे कि मेरा लॉस में जा रहा था, लेकिन अभी देखिए 0.70 ये बढ़ गया। इसी तरह से फ्रेंड्स से बढ़ते रहता है घटते रहता है, तो इसको लगाकर तुरंत 1-2 महीने मत आप चेक कीजिए, इसको छोड़ दीजिए थोड़े दिन तक, तो ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा था कैसे बाय करना है कैसे सेल करना है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अभी हमें अगर मान लीजिए अब हमने तो इन्वेस्ट कर दिया, इसको 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना रखें, अब हमें वापस इसे अपने अकाउंट में मंगाना, तो कैसे आप करेंगे। देखिए यहाँ पर सेल ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। सेल पर आपके पास कितना बिटकॉइन है देखिए यहाँ पर दिखाई देगा, उतना बिटकॉइन आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा
अपने अकाउंट में मंगाना चाहता हूँ तो पूरा मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं देखिए सेम टू सेम मैंने यहाँ पर जो मेरी बिटकॉइन अवेलेबल थी मैंने यहाँ पर अपना बिटकॉइन जो है डाल दिया। अभी हमें क्या करना है, हमें प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेल नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए 497 में सेल हो रहा है क्योंकि घटते बढ़ रहा है, मैं आपको पहले ही बताया था। तो देखिए ये जो है हमारे वैलेट में वापस आ गया। और उसके बाद फ्रेंड्स आप पोर्टफोलियो पे आकर देख भी सकते थे कि आपका जो ग्रोथ कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, और यहाँ पर आप मार्केट देख सकते थे, ठीक है। तो ये सब, लेकिन मैं पोर्टफोलियो पे वापस आता हूँ और यहाँ पर देखिए इंडियन रुपीज़ मेरे पास इतना बचा हुआ था, इसके ऊपर मैं वापस क्लिक करूँगा। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विड्रॉल का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ये डिजेबल इस टाइम पे इनेबल नहीं है। अगर इसी पर क्लिक करके अगर इनेबल रहता तो हम जो है अपने पैसे को विड्रॉल कर लेते बैंक में। ये फ्रेंड डिजेबल इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स बैंक का हॉलीडे है, आज संडे भी है और बीच में क्रिसमस वगैरह चल रहा था, इसकी वजह से बैंक की जो छुट्टी थी इसकी वजह से हॉलीडे था, तो हॉलीडे की वजह से इन्होंने जो बटन है वो डिजेबल कर दिया है। जैसे बैंक वगैरह चालू होंगे तो ये वापस जो है विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स मैं आपको विड्रॉल करके इसी कारण की वजह से दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आपको अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको विड्रॉल करके भी बताऊंगा। वैसे फ्रेंड्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आसानी से विड्रॉल हो भी जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स से मेरी छोटी सी वीडियोज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख पाओ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।